धनलक्ष्मी ज्वेलर्स गोल्ड एंड सिल्वर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी 50% ऑफ ऑन वेस्टेज नो मेकिंग चार्जेस बिसाइड अलनूर शॉपिंग मॉल हकीमपेट टोली चौकी हैदराबाद। चेयरमैन ए18 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। हुकाम ने बताया कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के रहनुमा के कविता पीर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के सामने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगुछ के सेकेंड राउंड के लिए हाजिर हुए। ग्रीन साड़ी में मलबूस कविता सुबह 10:30 बजे के करीब सेंट्रल दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में दाखिल हुई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 44 साल एमएलसी दुख्तर से इस मामले में पहली बार 11 मार्च को पूछगुछ की गई थी, जिसके बाद इन्हें 16 मार्च को दोबारा तलब किया गया था। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर मिनिस्टर्स और एमपी एमएलसी कविता की हिमायत के लिए दिल्ली में मौजूद है, जब वो दिल्ली शराब की पॉलिसी स्कैम में ईडी की पूछगुछ के दूसरे राउंड के लिए जा रही है। इम्कान है कि आज मुलजिम अरुण रामचंद्र पिल्लई से इनका सामना हो सकता है। पेश है ए18 तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाय दीदी,